मन की मन ही मह रही मन की मन की मन ही महे रही मन की मन ही अवर सगल मिथ्या ए जाना भजन रब को सही भजन रब को सही मन की मन की मन ही माहे रही
धारा मीत पूत रथ संपत
सगल मिथ्या ए जानो अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिर तु बोते जुग हारे फिर तु बोते जुग हारे कई जन्म भयो कीट पतंगा निराशता दा बैस बन जावेगा जिन्हें समझेंगे नहीं। एक ख्याल करियो, इसलिए असी सिद्धांतिक किसे आदर्श नु फरोलने या विचारने या अखरी अर्थ नहीं शब्दां दे अखरी अर्थां किताबां विच टीकियां विच मिल जांदे ने। प्रोफेसर साहब सिंह ने भी बड़ी कालना कर ली है, हर विचारवान कोल खोजी कोल वो साधन है अखरी अर्थ पछाणन दा। हालांकि उन्होंने आप वल्लों सिद्धांतिक विचारधारा भी किते किते बड़ी खोल के रखी है, पर कुछ टॉपिक ऐसे ने जे असी नहीं विचारांगे ता किसे मोड़ ते जाके कंफ्यूज हो जावांगे। इसलिए मेरी कोशिश हुंदी है कि आपां बजाय अखरी अर्थ करके अगे लंघ जाइए, उंदी बजाय कुछ टिकाने कुछ रहाओ ऐसे ढूंढिए जिथे विचार करनी ते समझना जरूरी हो गए। कुछ ऐसे मोड़ ने जिवें मैं अगे अर्ज की सी, मनुख जीवन अंदर कई मील सफर करता जाए कोई परेशानी नहीं, पर जदों कोई चुरस्ता आ जाए ना जिथे भुल जाने का डर होए, चुरस्तियां विच दुरस्तियां विच दुराया विच
जिथे एक दे दो राह बदलते हो उत्थे ही मनुख दे भुलन दा चांस हुंदा उत्थे सानू फैसला करना पैंदा कि मेरा राह केड़ा है इत्थे चार राह ने जो रस्ता है मेरा राह केड़ा है ओ जेड़ा मेरा राह केड़ा सोच के समझ के फैसला करना है उसे दा ना ही विचार है अज साढ़े सामने कुछ गिनती दे विच लफज ने जिन्ना दी विचार जरूरी है पहला तो पहली लाइन विच ही मन की मन ही माहे रही कुछ मेरे मन दियां इच्छावां सन जिहड़ियां पूरियां नहीं हो सकियां उन्हूं आपां कहिंदे आ मन दी मन विच रह गए सारियां इच्छावां पूरी कारण की है असी लभना है मन दे नाल ए हादसा क्यों वापरदा है क्यों वापरदा है कारण यह है कि मन है ही आशावां दा इच्छावां दा विचारां दा एक केंद्र संग्रह ये नहीं कि दो चार दस इच्छावां इस मन दियां होन कदी तुसी जिंदगी विच देखो तन दे हर अंग दी थकावट किसे मोड़ ते जाके हो जांदी है बुढ़ेपे ही लै लो बुढ़ेपे विच अखां थक गईयां देख देख के तकनो देखनो रह गईयां कन सुन सुन के सुनो रह गए थक गए गुरु ने बाणी विच भी आख्या कहन लगे थक नैन सरवण सुन थाके थाकी सुंदर काया मैं एक एक दा वक्रा नाम की लवा गुरु कहंदे ने अखां भी थक गईयां नैनो नीर बहे तन खीना पहे केस दुध वाणी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करें परान थक गए जबान दी जबान बोलदी बोलदी थक गई हुण जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसे ओ भी थक गई पर कदी कदी तुसी ध्यान दे के देखियो एने बुढ़ेपे विच जदों मनुख दा सारा शरीर थक जाए पैर कदम चलनो रह जान हाथ करनो रह जान बुढ़ेपा आ जाए तन दा हर हिस्सा थक जाए कदी वेख्या जे मन भी उदों थकदा नहीं मन तां चाहता है कि तू इंजैक्शन लग जाए तानन को होर कम ले लवान कोई विटामिन दे ऐसे कैप्सूल मिल जान जिंदे नाल मुड़ तान बलवान हो जाए इंदे को होर कम ले लवान क्यों की कम लेना चाहना इसका मतलब कोई इच्छा मन विच है जड़ी अजे तक उंदी पूरी नहीं हुई करना चाहता है आखिर इसलिए इंजेक्शन ढूंढ रहा है ना इसलिए तो विटामिन दी ढूंढ कर रहा है भी मेरे विच बल बल दोबारा आ जाए हुण देखना यह है वो जेड़ा ढूंढ रहा है जेड़ा सोच रहा है जेड़ा विचार रहा है जेड़ा इच्छा रखता है वह तो मन है तन तो है नहीं क्योंकि सारिया इच्छावां मन विच पैदा होंदियां इसका मतलब मन अजे इच्छा लई बैठा है वो अजे होर सतगुरु ने बाणी विच आख्या है कहंदे ने नित आसा मन चित्तुवै नित आसा मन चित्तुवै
मन तृष्णा भुख लगाया, मन तृष्णा भुख लगाया, शेष खटे लख को उठदा है, तृप्त ना आवे। अरे और आस रख दे मन की, मन ही माहे रही आखिर क्यों आख्या। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का एक एक लफज सकारित है। सतगुरु कहते हैं मन की, मन ही माहे रही शेष खटे लख को उठ दावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनेक भोग बिखिया के करे, अनेक भोग बिखिया के करे, अनेक भोग न भोग दे, सारी जिंदगी भोगदा पर मन थकदा, तन थक जांदा है, फिर भोग भोगन जोगा भी नहीं रहिंदा। स्वामी रामानंद ने बड़ी सोहनी गल कहिंदा है, मैं जानिया मैं भोगन भोगू, मैं समझदा कि मैं भोग भोग रहा, नहीं उल्टा भोगन भोगिया मोए, वो तो उल्ट गया, भोग तो मुके नहीं, मैं भोगया गया, भोग तो मेरा पै गया। इसलिए एक ख्याल करो, मनुख की जिंदगी का जीवन का एक सुभा है कि थक जाता है शरीर भोग भोग दिया, पर अजय मन इच्छा होर रखता है। हजूर ने बाणी भी चखे, अनेक भोग बिखे आके करे, ने तृप्तावे, तृप्त नहीं होगी, रजदा नहीं, थकदा नहीं, ने तृप्तावे, खप खप मरे, नित आशा मन चितुवे, नित आशा मन चितुवे, मन तृष्णा भुख लगाया, धन अनता धन धर दबिया। जे भला किसी को बहुत धन हो जाए, बहुत धन, ते कदी उन्हें रज के आख्या मैनू होर नहीं चाहिए। गुरु ने अपनी रसना तो जवाब दिता है, कहते ने मैं मनुख दे मन की हालत की वे की समझना, कि जिमें कोई मनुख अग विच कुछ बालन पाए तो आखे लू भसम कर, अग बालन नू भसम कर दिए, तो कुछ होर पा दे, कुछ होर पा दे, तो फिर इस उड़ीक विच रह के हुण अग थक के आख देवेगी बस होर ना पा, मैनू होर बालन की लोड़ नहीं। कभी अग ने यह आख्या, वह तो जिन्ना बालन पाएगा होर ज्यादा भड़केगी। जिमें अग का सुभा है ना, ज्यों ज्यों बालन पाओ वो रजदी नहीं बल्कि होर भड़कती है। कह लगे यो ही हालत मन की है, ज्यों ज्यों इन को पदार्थ आते ने त्यों त्यों ये होर इच्छा वधांदा है, घटती तो है ही नहीं। गुरु कहते ने धन ता धन, धन ता धन,
तार दबे यार फिर बिख भालन गया फिर बिख भालन गया अनिक भोग बिखे आके करे नहीं तृप्तावे खप खप मरे कहन लगी ये हालत है मन दी। मन ने कदी नहीं आख्या मैनू होर इच्छा नहीं अने कहिंदा है कल भी पिछले हफ्ते शब्द विच एक प्रमाण आया सी जिंदे विच सी अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तैं खटिया कहां गवाया चलो शिताब दीवान बुलाया चल दर हाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया। ते अगले पासे एक लफ्ज़ सन अजे भी कहंदा की है करूं अरदाव गाँव किच बाकी इस गाँव विच इस नगरी विच मेरा अजे लैन देन कुछ बाकी है रह गया है लियो नबेड़ आज एक रात मैनू होर दे दियो मैं नबेड़ लवांगा। ते जे भला वो एक रत्ती बिलमना देवनी बन जा रहा मित्रा वो आखन नहीं दे सकती तो फिर मन की मन ही मैं रही होगी ना मन की मन ही मैं रही लफज जेडे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने वो तो समझ लेने चाहता एक रात होर मिल जाए सौ साल जीवन तो बाद फिर सोचता एक दिन होर मिल जाए रजदा नहीं। ते जे ना मिले एक रत्ती बिलम ना देव नहीं बन जाने एक रत्ती भर बिलम देर नहीं होन दिंदा जदों मौत दा दिहाड़ा आ जाए। ते इंदे कोल आसां जे बहुत हुंदियां ने जिहड़ियां पूरियां करना चाहुंदा ते जे ओ रासां विचे रह जान ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी गल ए पूरी हो गई ना मन की मन ही मैं एवं होंगे ही मन की मन में रही इसलिए एक लफज वर दिते मन की मन ही माहे रही ना हर बजे ना तीर्थ सेवे लो अपा विचों जेड़े मोड़ ने वो समझने भजन लफज समझना है ना हर भजे क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच द्वारा सिख नू मनुख नू बार बार भजन की प्रेरणा है। गुरु कहंदे ने भजो गोबिंद भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाओ हर भगत भजन ने केवला हर भगत भजन ने केवला रिद कर्मना बचसा जोगेन किंग जगहेन किंग धनहेन किंग तपसा भजन कर इंदे मुकाबले ते इंदे जिन्नी शक्ति ना जग विच है जग करान विच है ना जोग करन विच है जोगेन किंग जगेन किंग ना ही दान करन विच है किन्ना क दान कर लेगा भजन दे बराबर कुछ नहीं। गुरु ने बाणी अंदर क्यों बार बार आख्या कहन लगे जे तू गंगा दे किनारे जाके एक नहीं दो नहीं हजारां गऊआं दान कर दे हजारां गऊआं दान कर दे
फिर भी एक ख्याल रखी, सिमरन दे भजन दे बराबर कुछ नहीं। देखना भजन की है आ मोड़ ने समझन बारे हो सकता है। अज दे सीमित समय विच आपां सारी गल फाइनल न कर कुछ अगले शब्द नाल रखांगे, क्योंकि शब्दावली श्री गुरु ग्रंथ साहब की समझनी बहुत जरूरी है। भजन की है, क्योंकि आम करके साड़ी जिंदगी विच एक ख्याल है विखौरे माला हाथ विच फड़ के सारा दिन वाहगुरु 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 करते रहो, भजन करना है, इसे दा नाम भजन है। पर आपां गुरु को जरूर पूछिए भजन है कि ऐसे लफज वरते हैं। ना हार भजे हार के भजन कौन कौन ना तारे, ये तो आख दिता। हुण ये गल सुन के हर मनुख दा दिल करेगा मैं भजन करा। आखिर भजन करन दा ख्याल रखन वाले माड़े नहीं, गुनाहगार नहीं, चंगे विचार ने, पर बिना समझे कोई मनुख कोई चंगे पासे भी तुर आप वालों चंगे पासे तुरिया जाए, पर समझे ना राह केड़ा है तो उनका तुरना सकारत नहीं होगा। मन दे विचार सकारत जदों भुल जाएगा वह आखेगा भी भले हाँ मैं तो फलाने पिंड जाना चाहता सा पर राह नहीं सी पता भुल गया। भुलने राह खुंझा दिता, विचारधारा नहीं खुंझाई। विचारधारा यो ही है कि मैं फलाने पिंड जावा, और यो कुछ साढ़े नाल हो रहा है। असी भजन लफज तो प्यार करने रैन सवाइया हो जांदियां ने, सारी सारी रात भजन हो असी समझने हो रहा है। ते गुरु ने भी अपनी बदसनत तो आख दिता है हर के भजन कौन कौन ना तारे, खग तन मीन तन मृग तन ब्रह्म तन साधु संग उधारे, देव कुल दैंत कुल जख किनर नर सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग। लफज भजन इसलिए मनुख दे मुंह विच पानी आ जाएगा, है इन्ना कुछ मिलता है जे भजन करन नाल मैं भी करा। इसलिए तो लोग माला चुक के सारी सारी रात बैठे समाधियां लाने वाले जंगलों में भी बैठे ने। पर मुश्किल इको ही है, भजन करन नू चित ललचाया है पर भजन किवें करना है, भजन है कि केड़ा रस्ता है वो नहीं पता। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का ये लफज है, कहिंदे ने मन ही माहे रही ना हर भजे, हरी नू भजया नहीं भजन नहीं किया। तो फिर हुण आपां अगले हफ्ते ये भी देखना भजन की है, जे किया नहीं तो करना है तो किवें करना है, किनू भजन आख देना लो, ये आपां समझना है अगली बार। ते अगला लफज है ना हर भजे ना तीर्थ सेवा, हुण इत्थे सोचण वाली गल है कि तीर्थ गुरु तेग बहादुर साहब नूं परवान है,
एक ख्याल करियो, श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी जिंदे विच छे गुरुआं दी रचना तो बाणी उच्चारण हुई है, बाकी गुरु जामे जड़े ने वो उस बाणी दे पहरेदार दे रूप विच विच वो ही वक्त नहीं हुए, उनके पहरेदार बने ने, सिद्धांत वक्रा ने, साधन छे ने। मैं एक बार कीती सी, सिद्धांत अतुट हुंदा है, साधन अतुट नहीं, साधन बदलते ने, सिद्धांत नहीं बदलता। जिवें मैं अर्ज कीती सी, भुख एक सिद्धांत है, दुनिया के हर मनुख नूं लगदी है, भुख विच कुछ खाना पैंदा है, पर भुख विच खाना खाना जिहड़ा है वो सिद्धांत नहीं, वो साधन है। भुख लगनी है तो खाना खाना है, भुख सिद्धांत है, खाना साधन है। हुण खाना बदलदा, रोज असी एक खाना नहीं खा सकते, जिस शहर जिस नगर जिस देश में जाते हो उत्थे खाना बदल जाता। जे एक शहर जाओ एक देश जाओ उत्थे चावल ज्यादा खाधे जाते हैं, दूजे देश जाओ उत्थे ब्रेड खानी पैंदी, खाना तो बदल गया ना, पर भुख नहीं बदली, भुख उत्थे भी वो ही लगती सी, इत्थे भी वही लगती। भुख सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं बदलता, साधन बदलते हैं। इस तरह एक ख्याल करियो, सिद्धांत नहीं बदलिया, जामे बदले ने, गुरु जामे बदले ने, पर जोत नहीं बदली। जोत वा जुगत भी नहीं बदली, जुगत का मतलब सिद्धांत है, जुगती भी नहीं बदली। जोत वा जुगत साए सह कायम फिर पलटी, कायम पलटी गई, जिमें भुख ओह ही रही पर खाना बदलता गया। हम देखना भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जो अपने जामे विच कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जे असी नहीं समझांगे तो यह समझांगे भी गुरु तो आख रहे तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, गुरबाणी तो आख रही है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ते इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी का, इहदा मतलब तीर्थ सेव जरूरी है, तीर्थ की है ये आप फिर समझना, ये भी अगली बार समझेंगे, तीर्थ की है, किस तीर्थ की गल। नहीं तो भुलेखा खान वालियां नूं होर भुलेखे विच पाउण लई गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं भी तीर्थ यात्री आख्या गया। जिस झूठ ग्रंथ नूं आपां आम देख रहे हैं उस ग्रंथ विच उसे विचित्र नाटक विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे संबंध विच ही एक गल आखी है। गुरु कहिंदे ने उस विचित्र नाटक विच लिखारी ने एक गल आख दित्ती गुरु तेग बहादुर साहब दे संबंध विच, मुत पित पूर्व किस पियाना, मेरे माता पिता ने प्याना की भाव चले ते किथे चले, भांत भांत के तीर्थ नाना कई थावां दे तीर्थां दी यात्रा कर ले, जब ही जात त्रिवेणी भाए पुण दान दिन करत पता है, उत्थे जाके मंग कीती, दान पुण कीता, मंग कीती मेरे घर पुत्र हो गए। भला सोचियो गुरु तेग बहादुर पातशाह किसे तीर्थ स्थान ते जाके पुत्र दी मांग करन, ते उस तो बाद उत्थे ही गुरु तेग बहादुर साहब दे घर विच दसम पिता दा आरंभ जीवन दा होवे, जब ही जात त्रिवेणी भय पुण दान ते दिन कर तई प्रकाश हमारा भय उत्थे होया। भला ये गल किवें हो सकती है, इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी
श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो वक्री कोई विचार दे सकती, भुख तो वक्री हो नहीं सकती, सिद्धांत वक्रा हो नहीं सकता। जे नहीं विचारांगे तो इत्थे आके भुलेखा खावांगे, तां आपां इकट्ठे होने इत्थे विचारन दे गुरबाणी इस स्थान ते, इसलिए इकत्र होने असीं गुरबाणी नूं विचार सकीए। जे नहीं विचारांगे भुलेखा खा जावांगे। हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सारी पढ़ लो, किते भी तीर्थां लई कोई थां नहीं। गुरु आखदे ने तीर्थ जाओ ता हो करते, तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो तो माया रात, सो स्थान बताबो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। बाबा कबीर जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में एक गल आख दी, कह लगे वर्त न रहो न मैं रमदाना, ना मैं वर्त रखना ना मैं रमजान के महीने में रोजी रखना, मैनू नहीं लोड़। वर्त न रहो न रमा ना मैं रमदाना, तिस सेवी जो रखे निदाना, मैं तो केवल एक अकाल पुरख का जेड़ा हर थां मेरा सहायक है, मैं उसी की सेवा करना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोवां नबेरा। उन्हें रमजान दे महीने की गल की है रोजे रख, उन्हें वर्त रखन की गल की है, मैं दोवां नूं छड़ दिता है। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोवां नबेरा। अगे कहने यो कारण है, हज का बेजाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। ना मैं काबे की जियारत जाना ना मैं किसी तीर्थां की यात्रा करन जाना। हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब एक गल आख आख रहे हूँ तो गुरु तेग बहादुर पातशाह किमें आख सकते हैं? आपां नूं विचारना पएगा, इसे विचार लिए आपां इकत्र होने, नहीं तो भुलेखे पै जावे। आप अगली बार ये समझने तीर्थ किस का जिक्र किया जा रहा है, भजन किस का जिक्र किया जा रहा है। ते कह रहे ने ना हर भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गई दारा भूत भूत दारा रथ संपत धन पूर्ण सब मही, अवर सगल मिथ्या हे जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत मौत जुग हारे, कई जन्मां विच फिरदा फिरदा हुण मैं मनुखा जन्म धारण किया है, मैनू मिलिया है। फिरत फिरत बहुत जुगहारे हो मानस दे लई, ते ऐसे विच ही समझन दी लोड़ है भजन की है, ऐसे विच समझन दी लोड़ है तीर्थ की है, क्योंकि ज्ञान दा टिकाना एक मनुख ही जन्म विच है। मैं तो कई बार अर्ज करना इन्हीं किताबों छपियां ने पढ़न दियां, इन्हीं यूनिवर्सिटियां बनियां ने, कॉलेज बने, स्कूल बने, उस्ताद ने, प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने, ये किंदे लई ने? जानवरां लई थोड़ा ने, असमान ते उड़ारियां लगाने वाले पंछियां लई थोड़ा ने, मनुखां लई ने ना। किसी मनुख दे बच्चे ने जाके स्कूल विच पढ़ लै, उन्हूं ज्ञान होना है, उन्हूं ज्ञान दी लोड़ है। कदे परिंदिया ने असमान ते उड़न वालिया ने अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, उन्होंने लोड़ ही नहीं, ज्ञान की लोड़ ही मनुखा नूं है। ते गुरु भी ये गल कहते, मैं भी बहुत सारे होर जूने में फिरदा फिरदा हूँ मैनू मनुखा जन्म मिले, इत्थे मैनू समझन की लोड़ है, ता मिले है, ताकि मैं पंछियों तरह सफर न करा,
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਰੋ ਪਾਓ, ਕਛੂ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਘਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਰੋ ਉਪਾਅ, ਕਛੂ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ, ਭਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਖੁਆਵੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।